सबसे पहले सभी हमारे मीडिया प्रेमियों को, हमारे जितने भी मीडिया से जुड़े हैं सभी को शुभम तिवारी का बहुत बहुत प्रणाम। आज बलमा डेरिंगबाज इस फिल्म का मुहूर्त है और हमारे बहुत ही खास मित्र जो हिंदी सिनेमा से जुड़े हैं वो आज भोजपुरी सिनेमा में कदम रखे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, जावेद जी को, जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करके और डायरेक्ट करने की एक बहुत ही अच्छी कोशिश की है। बलमा डेरिंगबाज में आप जो लुक मेरा देख रहे हैं वहाँ पर, वो शुभम तिवारी को हर वक्त लोगों ने एक मूछ में पाया, लेकिन रिसेंटली कुछ प्रोग्राम्स थे, शोज़ थे मेरे, तो उसके लिए मैंने और एक फिल्म के लिए मैंने ये लुक चेंज किया था। लेकिन कोशिश रहेगी कि बलमा डेरिंगबाज तक मैं सही सलाम बिल्कुल वही रूप में आप सभी को नजर आऊँ। रोल की बात की जाए कितना होगा, बलमा डेरिंगबाज अपने आप में एक एक्शन मूवी आपको नज़र आती है टाइटल से ही, और वैसे ही फिल्म है, फुल एक्शन फिल्म है। और इस फिल्म की खासियत मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ी बात ज़्यादा नहीं कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि लोग अपने अपने हिसाब से स्क्रिप्ट पर मेहनत करते हैं, लेकिन जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं जावेद जी, उन्होंने और उनके मित्र ने, दोनों ने मिलकर इस फिल्म के हर लाइन पर मेहनत की है। स्क्रिप्ट तो दूर की बात है, स्क्रिप्ट की जो हर लाइन होती है, स्क्रीन प्ले होती है, फिल्म के सिनेमा की जो जान होती है जो भोजपुरी से गायब हो चुकी है। स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है, भोजपुरी में स्क्रिप्ट नहीं है, आप सभी जानते हैं, इसलिए सिनेमा का क्या हर्ष है आप लोग जानते हैं। तो इन्होंने स्क्रिप्ट पर बहुत मेहनत की है, ऐसे हम हाँ कहीं नहीं सिनेमा खातिर, कहा कि सिनेमा की स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया बा, लाजवाब बा, और देखला के बाद रोहन की सिनेमा डेफिनेटली पसंद है। सर आपने कहा ये एक्शन मूवी है, लेकिन पोस्टर पे देखा जाए तो गन के पास एक रोज भी है। जी जी, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए जहाँ एक्शन में तो मोहब्बत चाहिए ना, देखिए आप जब तक एक्शन के साथ साथ अगर रोज़ अगर आपको नज़र आ रहा है तो हमारे दादा, जब हमारे जितने मीडिया भाई हैं बाद में वहाँ जूम जरूर करिएगा कि जहाँ मोहब्बत होगी ना, तो कहना मतलब गन के बाद मोहब्बत से उस जंग को जीता जा सकता है, इसलिए वो रोज़ इंडिकेट करता है कि आपको गन से नहीं मोहब्बत से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। मतलब फिल्म के एंड तक क्या आप एक्शन हीरो से रोमांटिक हीरो बनने वाले हैं? फिल्म में दो तरह का मूड है, दो तीन शेड है मेरे, तो ये 100% है कि कैसे इस फिल्म के, एक्चुअली जो मैंने आपको कहा आप सभी से कि स्क्रिप्ट जो इस फिल्म का है ना वाकई में लाजवाब, मैं उसको ओपन नहीं करना चाहता हूँ। मैं हर वक्त जब भी मेरी फिल्म के मुहूर्त या जब भी फिल्म की ओपनिंग होती है तो मैं हर वक्त मीडिया भाइयों से ये कहता हूँ कि अगर मैं अभी फिल्म के बारे में बता दूंगा तो लोग यूट्यूब पे या किसी भी चैनल के जरिए भी देखकर ना फिल्म की आभास लगा लेते हैं, तो सिनेमाघरों में जो मज़ा होना चाहिए वो मज़ा नहीं मिल पाता उनको। लेकिन ये रोमांटिक भी है, एक्शन भी है, लेकिन मैक्सिमम एक्शन ओरिएंटेड है। प्यार के लिए किस तरीके से लड़ रहा है उसका जो बलमा है, जो डेरिंगबाज, अब इतना ही आपको बताऊंगा, वो किस तरीके से लड़ता है अपने प्यार को पाने के लिए, क्या इस दुनिया में प्रॉब्लम्स होते हैं प्यार वालों के लिए, वो सारी इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई। आप बलमा किसके बने हुए हैं? जी मेरी जो हीरोइन है वंशिका, मैं उस फिल्म में उनका बलमा बना हूँ। फिल्मों में तो हम बलमा बनते रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में बलमा बनने का एक अलग मज़ा है, क्योंकि प्यार की जो परिकाष्ठा कहा जाए, जो एक बहुत बड़े लेवल तक गया हुआ है, प्यार को पाने के लिए क्या क्या हदें होती हैं वो आज की, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर, जो मैं डबल कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो किस तरीके से स्ट्रगल करता है वो इस फिल्म में बताया गया। सर आज इस फिल्म का मुहूर्त है, कितने एक्साइटेड है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी लाइक यू नो रोलर कोस्टर वाली ये फिल्म होगी बलमा डेरिंगबाज़, आप कितने एक्साइटेड हैं? एक्चुअली बात है, हर कलाकार के लिए जब फिल्म लॉन्च होती है, जब फिल्म का मुहूर्त होता है, तो कलाकार बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक कलाकार के लिए मुझे लगता है कि उस समय तक जब तक फिल्में बनती हैं उस समय तक उसके लिए सबसे अगर अहम कोई बच्चा होता है, उसके लिए प्यार होता है सबसे ज़्यादा, मोहब्बत जिससे करता है वो उसमें उस फिल्म से करता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और इसके लिए मैं जावेद जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने सोचा कि मैं इस कैरेक्टर के लायक हूँ। दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल भोजपुरी सिनेमा की जो स्थिति है आप सभी से छुपी हुई नहीं है, साथ साथ मेरे जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर इस भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि भोजपुरी में बहुत से स्क्रिप्ट हैं, आप अगर बनाना चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे लाजवाब सिनेमा बन सकते हैं। आप प्लीज़ दर्शकों से भी गुजारिश है कि आप फिल्में को पसंद तो करते ही हैं, मुझे पता है जब आपको अपनी मिट्टी उसमें मिलती है सिनेमा के अंदर, आपको भोजपुरिया खुशबू आती है, तब आप वो सिनेमा पसंद करते हैं। दर्शकों से ये गुजारिश है, जैसे आपने शुभम तिवारी को आज तक प्यार दिया है, देते रहा है, वैसे ही आगे भी यही प्यार को
आप बरकरार रखेंगे। थैंक यू सो मच। सही बात खड़े हो।